जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश बाड़ा सिद्धाम वृंदावन से, आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चरण के माध्यम से आपका स्वागत है। आज की बात करते हैं कन्या राशि की, कि कन्या राशि का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, जुलाई में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, आपको क्या इसका परिणाम अच्छा होगा या खराब होगा। तो जुलाई की बात करते हैं, कन्या राशि, जुलाई का महीना। पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति की। कन्या राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि है, और कन्या राशि में अगर बुध बैठते हैं तो ये यहाँ उच्च का प्रभाव दिखाते हैं, उच्च की राशि बनती है इनकी। तो इस समय गोचर में यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं, शनि महाराज आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं बकरी अवस्था में, राहु आपके सप्तम भाव में है, मंगल आपके अष्टम में है, गुरु आपके नवम भाव में है, सूर्य और शुक्र की जो युति है वो आपके दशम भाव में है, और एकादश भाव में आपके बुध महाराज बैठे हुए हैं। ये ग्रहों की स्थिति है 1 जुलाई 2024 को। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध देवता। बुध होते हैं बुद्धि के कारण, बुध बैठे हैं आपके लाभ भाव के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुध के द्वारा पूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है। बुध रहेंगे यहाँ 19 जुलाई तक, क्यों कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है, तो 19 जुलाई तक बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो 19 जुलाई तक आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं है, दिमागी तनाव है आपके ऊपर कोई है नहीं, अच्छी पोजिशन है बुध की। तो बुध आपको लाभ भाव में रहेंगे, लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं 19 तारीख तक। 19 जुलाई के बाद इनका जो गोचर है वो 12th हाउस में आएगा, 12वें भाव में। यहाँ थोड़ी सी आपको शारीरिक दिक्कत भी हो सकती है, बुध वाणी के कारक होते हैं, तो हो सकता है कुछ वाणी में खराब हो आपके, किसी को गलत बोल दें, बात बात हो सकता है। बुध दांतों के कारक होते हैं, तो हो सकता है किसी दांत में पीड़ा आपके हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके धन भाव की। देखिए, धन भाव के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र देवता, और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ रहेंगे ये 6 जुलाई तक। 6 जुलाई के बाद इनका ट्रांजिट होगा 11th भाव में, जहाँ बुध बैठे हुए हैं। तो बुध की और शुक्र की जो युति है राजयोग कारक युति होती है, और ये राजयोग देने के लिए आपको बाध्य भी है और देंगे आपको। शुक्र और बुध यहाँ 6 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। धन की स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी, क्योंकि शुक्र भाग्य का मालिक भी बनता है। जब ये एकादश भाव में बैठेगा तो भाग्य से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा भाव आता है आपका शिक्षा का, संतान का, पंचम भाव। पंचम भाव में जो स्वामी है वो छठे घर में बैठे हुए और बकरी अवस्था में बैठे हुए हैं। मित्रों, आपको पता है कि जब ग्रह बकरी होता है तो चेष्टावली हो जाता है, और चेष्टावली होने के बाद वो जहाँ बैठा है वहाँ का परिणाम भी आपको देगा, और उसके पिछले वाले घर का भाव का परिणाम भी आपको देता है। तो शनि छठे भाव में बैठे, छठे भाव का परिणाम ये है कि आपके लिए शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, रोग से कर्जे से आपकी मुक्ति मिलेगी आपको हर हालत में, और यहाँ बैठ करके अगर कोई कंपटीशन में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपकी जीत हो। तो जो शनि महाराज हैं वो पिछले घर का फल देंगे पंचम भाव का। पंचम भाव हमारे विद्या का, बुद्धि का, संतान का, शेयर मार्केट का भाव होता है, लव रिलेशन का, प्यार मोहब्बत का, लव मैरिज का, सबका भाव होता है। तो पहले बात करते हैं शिक्षा के मामले। शिक्षा का क्षेत्र आपका बहुत विस्तृत रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जो जातक या छात्र या छात्रा हैं हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है 6 जुलाई से लेकर के और 19 जुलाई तक के लिए। उसके बाद में बुध वहाँ से स्थान परिवर्तन करके 12वें घर में चले जाएंगे, और सूर्य दशम भाव से 11वें भाव आ जाए, तो ये और अच्छा समय रहेगा इनके लिए। तो जब सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा तो ये आपके लिए विदेशों से अच्छे संबंध बनाएगा। आप अगर किसी प्रकार की शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये सूर्य आपके रास्ता आपको देगा, अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएगा, कोई दिक्कत होगी शासन प्रशासन में तो उसको दूर करा के आपको विदेश भेज सकता है। तो शिक्षा के मामले में ये महीना बहुत आपके लिए उत्तम है, और ख़ास करके 6 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। बात करते हैं संतान की। तो संतान पक्ष के लिए यहाँ पर बुध शुक्र की जो दृष्टि आ रही है आपके पंचम भाव पर बहुत शानदार रहने वाली है। आपके बच्चे अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम करेंगे,
और अगर संतान की प्लानिंग भी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आप 6 जुलाई से 31 जुलाई तक संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये शेयर मार्केट का भाव भी है, तो बुध और शुक्र की युति जो है सूर्य की युति भी बनने वाली है 16 तारीख के बाद में, लेकिन 6 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक शुक्र और बुध आपके एकादश भाव में रहेंगे और इनके बीच में यहाँ सूर्य देवता भी पहुँचेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए आपको लाभदायक समय है। आप शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या आप डील करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं 6 जुलाई के बाद, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भाग भी आपकी सपोर्ट करेगा और स्टार भी आपको सपोर्ट देगा। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में राहु महाराज बैठे हैं जो ठीक नहीं होते हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, तो यहाँ राहु जैसे ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। तो थोड़ा वाद विवाद पत्नी पत्नी के बीच में भी रहेगा और व्यापार में थोड़ा सा 19वीं उतार चढ़ाव भी हो सकता है, लेकिन व्यापार की पोजीशन जो डिपेंड करेगी वो गुरु के ऊपर डिपेंड करती है। गुरु आपके भाग्य में बैठे हुए हैं तो व्यापार को तो भाग्य की सपोर्ट मिल जाएगी तो व्यापार तो आपका ठीक चलेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद होगा, उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अपनी जो मेंटेलिटी है, अपना व्यवहार है, थोड़ा चेंज करेंगे तो पति पत्नी के बीच में विवाद होना वो नहीं होगा। अष्टम भाव के अंदर मंगल बैठे, सुग्रही बैठे, मंगल बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपका बिल पराक्रम, आपकी बिल पावर सब बढ़ी रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने घर पे जा रही है। मंगल की दृष्टि धन भाव पे जाती है तो धन की कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, हिम्मत करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा मंगल के द्वारा, उतना पैसा आप कमा सकते हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य में गुरु महाराज बैठे हैं, इनकी दृष्टि लगन पे जाती है, इनकी दृष्टि पंचम भाव पे जाती है, इनकी दृष्टि आपके पुरुषार्थ के भाव पे जाती है। पुरुषार्थ के भाव पे शनि की दृष्टि भी जा रही है, पुरुषार्थ के भाव पे बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है, पुरुषार्थ के भाव पे मंगल की दृष्टि भी जा रही है। तो तीन तीन ग्रहों की दृष्टि से आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो हिम्मत है वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको किसी से कोई भी काम करवाना हो तो आप आराम से उसे काम ही करा सकते हैं, और खुद भी कोई काम करना हो तो बिना थके, बिना किसी फिजिकली परेशानी के आप वो काम बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पुरुषार्थ का भाव होता है, हिम्मत का भाव होता है, अगर कोई पाप ग्रह इस पर दृष्टि डाले या पाप ग्रह यहाँ बैठा हो तो वो बहुत बलशाली भाव हो जाता है। तो आपका जो पुरुषार्थ का भाव है आपको बहन भाइयों से लाभ दिलाएगा, आपके बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ दिलाएगा, और यहाँ आपकी हिम्मत बरकरार रहेगी क्योंकि बृहस्पति, मंगल और शनि तीन ग्रहों की यहाँ दृष्टि आ रही है। राहु की दृष्टि भी ये नंबर आती है, तो कई ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव है, तो आपका जो ताकत है, हिम्मत है, आपका जो एक विल पावर होती है पूरी बड़ी चढ़ी रहेगी और आप हर काम को बड़ी तीव्रता के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ और हिम्मत के साथ कर पाएंगे। टेंथ हाउस की बात करते हैं, टेंथ हाउस में महीने के शुरुआत में सूर्य शुक्र का युति है, तो शुक्र तो ऑलरेडी आपके लिए पूरे महीना बढ़िया है, कहीं भी बैठे, चाहे दसवें भाव में, चाहे ग्यारहवें भाव में, कहीं भी बैठे शुक्र आपके लिए बढ़िया है। सूर्य आपके लिए बढ़िया है यहाँ टेंथ हाउस में, क्योंकि पिता का कारक होता है, तो पिता के भाव में बैठा हुआ है, तो फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, फादर से आपको हर प्रकार का एक सहायता भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, और फादर आपके साथ भी खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशानी आपको अपने पिता से नहीं आएगी। तो दसम भाव कर्म भाव है, सूर्य का यहाँ बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापारिक नौकरी या आपका जो प्रोफेशन है उसके मामले में सूर्य यहाँ बहुत अच्छी आपको एक अच्छी पोजीशन देता है दसम भाव में बैठ के। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक रहेंगे, 16 जुलाई तक, तो 16 जुलाई तक आपको आपके काम से, आपके धंधे से, व्यापार से, रोजगार से, दैनिक रोजगार से कोई दिक्कत नहीं आनी आपको, आपका काम उत्तरोत्तर बढ़िया चलेगा, अच्छी पोजीशन आपकी यहाँ सूर्य के द्वारा तैयार होगी। शुक्र का जो गोचर है आपको बताया, वो 6 जुलाई को आपके लाभ भाव में हो जाएगा, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का गोचर भी 16 जुलाई को आपके लाभ भाव में हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पोजीशन है थोड़ी बुध आपका बार में घर में जाएगा, थोड़ा आपसे नुकसान करा सकता है, अगर आपने थोड़ी सावधानी नहीं बरती तो आपको नुकसान अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुध का बारहवें भाव में गोचर बढ़िया नहीं माना जाता है। हालांकि वो मित्र राशि है, लेकिन फिर भी बारहवां भाव खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, बीमारी का भाव होता है, कोई जेल, थाना, कोर्ट, कचहरी, इनका भी भाव होता है, मेडिसिन का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बुध यहाँ बैठ के 19 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक थोड़ी फिजिकली एक्टिविटी में आपको परेशानी दे सकता है, आपको उसे बचना पड़ेगा, वही आपके लिए सबसे उत्तम साधन। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम आपको, इसके बारे में अपनी राय दें, और जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन को स्क्रॉल करें,
वीडियो देखें, लाइक करें, अच्छा लगता है आपको तो शेयर करें। राधे राधे।